बिस्मिल्लाह मानिम सेकंड ईयर हमने रैंक और रिलेशन स्टार्ट किया हुआ था। तो जो रैंक और रिलेशन होता है उसको हम रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो एक और रिलेशन कोफिशिएंट आपने टॉपिक पढ़ा था, एक अपन पढ़े हैं रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट अलग चीज़ है और रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही दो डाटा सेट्स होते हैं, तो कभी आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन हो तो आप वो फाइंड करते हैं, अगर रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट गिवन हो तो आप फिर रैंक फाइंड करते हैं। तो अगर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट गिवन है तो आप ये नहीं हो कि उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट और दूसरा वाला फार्मूला लगा के आ जाएँ जो आपने ट्रांसमिशन एक्स वाई वाला पढ़ा था। ठीक है क्लास, रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट अलग टॉपिक है और कोरिलेशन कोफिशिएंट अलग टॉपिक है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, आप सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें, गौर से पढ़ के समझ के फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इंटरप्रेट की बात करता है क्वेश्चन में, तो इंटरप्रेट आपने लाजमी करना है, मतलब उस रिजल्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर जिस क्वेश्चन में इंटरप्रेट गिवन हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन हो या रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन हो, अगर आपको इंटरप्रेट अगर उसने कहा है तो आपने इंटरप्रेट करना है। अगर आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जस्ट आंसर लिख के आ जाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इंटरप्रेट के भी नंबर होते हैं और आपकी कैलकुलेशन के भी नंबर होते हैं। अगर आपको इंटरप्रेट क्वेश्चन में कह रहा है तो आपने लाजमी इंटरप्रेट करना है। अगर आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इंटरप्रिटेशन ज़्यादातर आपकी कोरिलेशन कोफिशिएंट में होती है या रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में होती है। ठीक है क्लास, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लें। जो आप पिछले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आप सिंपल रैंक डाटा सेट था तो उसमें से आप कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर रहे थे। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 17 में आपका N8 है, आपको एक्स वाई का डाटा दिया हुआ है और वो कह रहा है कंप्यूट एंड इंटरप्रेट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब आप देखें, अब आपकी ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 की फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं है। अगर 1, 2, 3 की फॉर्म में वैल्यूज़ हो तो वो ऑलरेडी डाटा रैंक होता है। अब ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, हम सबसे पहले आप इनकी रैंकिंग करेंगे, फिर उसका आप डी निकालेंगे। आप एक्स वाई का डाटा लिखें, सबसे पहले आप एक्स की वैल्यूज़ का रैंक करें। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इस डाटा में, 50 है तो उसको कह दें 1। फिर छोटी कौन सी है, 65, इसको कह दें 2। फिर 75, इसको कह दें 3। फिर छोटी वैल्यू कौन सी, 100, इसे कह दें 4। फिर उससे छोटी वैल्यू कौन सी, 125, उसको कह दें 5। फिर छोटी वैल्यू कौन सी है, 140, उसको कह दें 6। फिर कौन सी छोटी वैल्यू है, 170, इसे 7 कह दें। फिर आखिर में जो वैल्यू बच जाएगी वो 8 होगी। ठीक है, अब इसी तरह आप वाई का वैल्यू, वाई जो आपका डाटा है इसका भी आप रैंक करें। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है तो उसे 1 कह दें। फिर छोटी वैल्यू कौन सी है, इसे 2 कह दें। फिर छोटी वैल्यू कौन सी है, इसे 3 कह दें। फिर छोटी वैल्यू कौन सी है, इसे 4 कह दें। फिर छोटी वैल्यू कौन सी है, 120, इसे 5 कह दें। फिर 120 के बाद छोटी वैल्यू कौन सी है, 145, इसे 6 कह दें। फिर उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 150, इसे 7 कह दें। और फिर उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 190, इसे 8 कह दें। ठीक है, अब आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ का डाटा का रैंक कर लिया। ठीक है, ये एक्स का रैंक है और ये वाई का रैंक है। अब इस रैंक डाटा सेट का आपने डी निकालना है। 1-1 0, 2-2 0, 3-3 0, 4-4 0, 5-5 0, 6-7 -1, 7-6 1, 8-8 0। ठीक है, ये आपका डी आ गया। अब आप इसी तरह आपका डी स्केयर लें और जो डी स्केयर का सब होगा वो आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आप आर एस निकालें, जो फार्मूला है ये रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपका आर एस क्या आ रहा है, 0.98। अब 0.98 आपको क्या बता रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू रैंकिंग। ये आपने इंटरप्रिटेशन कर दिया। इंटरप्रिटेशन छोटी सी होती है, बहुत इजी होती है, आपने लाजमी इंटरप्रिटेशन लिखनी है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है क्लास, ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब आप, ये आपकी डायरी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 21 ये अपने रजिस्टर्स पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, और मुझे आपने चेक करवाने हैं, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपने अपने रजिस्टर्स पर करने हैं। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।